पलवन जी जब इस सीजन नौ में अपनी बोली ग्रेड में अपना नाम था अनसोल्ड इसका हमने भी भी इतना विश्वास था अगर के तब भी टीम को कहीं जरूरत पड़ती थी एक, की भेजेंगे, वो उसी एक भी भी है। अपनी लगा है। <laughs> तो एक तो कहकर एक करने की दो करने की अपनी तीनों का रेड है बीच में बढ़ जा बिल्कुल चालू हैं ना अगर हमारे किस्मत में होगा ना भगवान कहीं ना कहीं किसी के ओड्डे उसको अपने को मिलेगा भाई मैं हाँ भाई ठीक है दीपक अकदार था उसका दीपक को मिलगा अब प्रदीप प्रदीप को भी मैं भाई इतना अच्छा प्लेयर है प्रदीप को मैं मेरी उससे ये है कि भाई प्रार्थना है

संदीप पहलवान का इंटरव्यू करो संदीप नरवाल का कि बोली क्यों नहीं लागी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं नैसल में बढ़िया खेलिया और बहुत तो दुनिया फैन है भाई की तो पूरी बातचीत कराएंगे आज सारे राज खोलेंगे राम राम पहलवान जी राम राम जी भाई बढ़िया पहलवान जी हाँ एक नंबर भाई बिल्कुल बढ़िया अच्छा प्रैक्टिस प्रैक्टिस कैसी चल रही एक नंबर की चल रही है भाई बढ़िया बिल्कुल अच्छा कबड्डी की शुरुआत कब और किसने देख के करी थी पहलवान जी कबड्डी की तो अपने गाँव के जो सीनियर प्लेयर थे तू देख के करी थी अच्छा मेरे गाँव में एक कबड्डी गेम है भाई और हम जो स्कूल टाइम में थे शायद फोर्थ या फिफ्थ में थे तब से ही कबड्डी खेल रहे हैं अच्छा कितने साल तक अपना गाँव में कबड्डी खेली जा रही है भाई बड़े बुजुर्ग से परंपरा चली आ रही है भाई तब से ही हमारे गांव में मान लो भाई डीआईजी आईजी डीएसपी हर पोस्ट पे कबड्डी की देन है अच्छा हाँ जी जब शुरुआत करी आपने اپنی فیملی کا کے رسپانس تھا کیسا لیول کی تھی غریب تھی بجلی تھی یا ہی لیول کی تھی دیکھو بھائی آم دوپ بھی بنو کا ایبم ایب بھی غریبیاں بھائی کہ ٹھیک ہے بھیا آج گھٹے مینوں تھوڑا سا دو روٹی شک شانتی تے ٹھیا گی وہ کہے اس ٹائم بالکل یہ تھا کہ بھائی ایک ایک ٹائم کی روٹی او کیا کر دی وہ ٹائم تھا بھائی ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਹੈ ਮਾਲੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀਪੂ ਬਈ ਖੇਤੀ ਮਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਈ ਹੈ ਬੱਦ ਦਬ ਹੈ ਉਸਮੇ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਉਹ ਹੋਣ ਪਾਇਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾ ਮੈਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲੇ ਬਈ ਖੇਤੀ ਮਾਲੇ ਯਾ ਕਪੜੀ ਮਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਤੀ ਆਰਦੇ ਸਾਥ ਕੀ ਸਾਥ ਮੈਂ ਬਸ उस टाइम में वो थी कितना एक कर लिया नहीं आ रहा था वो कुंड वाली बात पहला नहीं नहीं ही मैं इतना फर्क फर्क ज्यादा कुछ भी पड़ा हाँ बिल्कुल हम भाई वो है नॉर्मल फैमिली था नॉर्मल ही रहेंगे जो वो है सब कुछ गांव गांव तो जुड़े हुए बंदे हैं भाई हम और अब भी भी गांव में रह रहे हैं क्यों यहाँ से अच्छा है नहीं है और गांव से आप कहीं पे भी जाओगे शहर में कहीं रहने लग जाओ बॉम्बे रहने लग जाओ दिल्ली रहने लग जाओ तो गांव जैसा मजा नहीं है कहीं पे भी बिल्कुल तो पहलवान जी जब कबड्डी की शुरुआत करी नेशनल कौन सी खेली थी पहला खेली थी जूनियर खेली थी सीनियर खेली थी मैं ना भाई वैसे तो स्कूल टाइम पे में थे जोन डिस्ट्रिक्ट तक खेले हैं प्राइमरी का स्टेट होगा जो नेशनल नहीं ने होता स्टेट हो है, तो प्राइमरी का स्टेट में अपने कथुरे की टीम थी पूरी तो उस टाइम पे अपना कुरुक्षेत्र हुई थी मेरे याद है तो हम फर्स्ट आए थे सोनीपत टीम वहाँ पे फर्स्ट आई थी तो हमारे जो भी ओपिनर वाले हैं जो डी आई जी साहब हैं उन्होंने हमारे को सम्मानित किया था अच्छा। यहाँ स्कूल में आने के बाद में भाई एक एक ट्रैक सूट दिया था अलग से मेडल दिया था उस टाइम में ये सोचा था भाई ये नहीं था भाई इतनी लंबी सोच नहीं थी चलेगी भाई इतना पैसा मिलेगा इतना अच्छा नाम हो गया बस ये था कि भाई नहीं भाई कबड्डी में बहुत कुछ है पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं घर पे दिखाने के लिए मेडल मिल रहा है ये थी उस टाइम पर कि भाई हाँ और जुनून हो गया था उस टाइम से फिर जो पहली बार अपन वो मेडल मिले डी आई जी साहब ने दिया था कितनी खुशी हुई थी भाई बिल्कुल खुशी बहुत हुई थी कि भाई हाँ देखो नाम सुन रखे थे कि भाई कबड्डी यूज से अपने गाँव में वरदान मान लो कि भाई कबड्डी जो भी अगर मन लगा के अगर कबड्डी खेलता है ना अच्छी जॉब मिलती है उसको और उस टाइम से बस ये लगन थी भाई जॉब के लिए खेल रहे हैं कि भाई अगर कोई छोटी मोटी जॉब लग जाए तो घर का काम चल जाएगा इस वजह से और वैसे कबड्डी का गड्ढ भी माना गया है रनियाणा कथूरा पूरा सोनीपत एक कबड्डी का गड्ढ माना गया है ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸੋਨੀਪਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੇ ਮਾਲੋ ਭਾਈ ਨਾਮੇ ਆਪਣਾ ਜਗੁਰ ਕਥੂਰਾ ਹੈ ਰੇਣਾਣਾ ਕਈ ਗਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਨੇ ਜਾਣੇ ਨਾਮ ਹੈ ਖਨਪੁਰ ਹੈ ਬੈਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲੋ ਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਗਾਉਂ ਦੇ ਨਾਮੋ ਕੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੇਣ ਜਾਈ ਹੈ अच्छा साई में कद गए थे पहलवान जी साई में मैं 2009 से रेगुलर अभी भी वहीं हूं अच्छा न्यू और बताओ साई में सिलेक्शन कुकर होए कर है स्पायरस चल रहा है गेम चल रहा है हाइट देखा है वेट देख है नहीं भाई ऐसी कुछ नहीं बच्चे के अंदर टैलेंट होना चाहिए सिफारिश का तो नाम ही नहीं है वहाँ तो जो आ, अंकल जी हैं अपने जगदीश नरवाल दीपक नरवाल के फादर उन्होंने बताया मेरे को कि ऐसे ऐसे कि भाई वहाँ इसका, इसका साई की ट्रायल है और वहाँ रहना पड़ेगा तेरे को मैं एक बार तो बोला था कि भाई दूर है फिर मम्मी ने बोला नहीं नहीं कोई दूर नहीं है वहाँ घर से बाहर रह गए मेहनत करेगा अच्छी है तो मैं वहाँ नेशनल खेला था जूनियर वहाँ से जयवीर को साहब ने जो मेरे गुरु हैं उसने बोला था कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ ट्रायल के लिए आ जाना तो मैं उस टाइम पे कोई फ़ोन वोन नहीं था तो वो पूछा था कहाँ से क्या मैं ऐसे मैं कतूरा से हूँ और जो पूरी जो मेरी की आज तक भाई पूरा संघर्ष इतनी संघर्ष करने के बाद में भी जो साथ में सपोर्ट की है घर की तो होती है जो मेरे अंकल जी हैं रमेश नरवाल जो शमशेर नरवाल के बड़े भाई हैं जो डीएसपी हैं तो उसने हर चीज़ में सपोर्ट किया भाई फैमिली से लेके भाई मान लो कि खेती एक साथ करना भाई घाटा वादा होता था वो पूरा ये मानता था अपने बेटे की तरह मानता था उसने फिर जगदीश गुस्सा वो बोला कि भाई ऐसे ये मैंने देखा खेलते टैलेंट है लड़के में इसको कहीं ना कहीं बाहर का एडजस्टमेंट करवाओ कि कम से कम जॉब तो अच्छी मिल जाएगी बाहर रहेगा घर से या खेत का भी काम करता है भी घर का भी काम होता है तो फिर जगदीश कोश साहब ने मेरे को ऐसे बोला कि वहाँ ट्रायल है ट्रायल के लिए मैं गया था तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था अच्छा गांव में था कौन से कौन से ट्रायल देने गए थे आपके साथ शाही में नहीं मैं अकेला ही गया था वहाँ पर ट्रायल के लिए मैं अकेला ही गया था और पहले वहाँ क्या था कि मान लें यहाँ से भी भाई हज़ार बारह सौ किलोमीटर होता है पहले तो जब छोटे छोटे तो ये मानते थे घरवाले भी नहीं भाई कोई आस पास में देख लो बिल्कुल तो मम्मी ने पूरी सपोर्ट करी थी मैं सुबह जैसे कि ट्रायल देने के लिए जाना था स्टेडियम में मैं छुप गया था कि भाई नहीं मैं नहीं जाऊँगा इतनी दूर करवाना तो मेरा यहाँ सोनीपत बालगढ़ है ना यहाँ करवा दो तो फिर अंकल ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ का सेंटर माना जाना है कि पूरे इंडिया में सबसे है, बेस्ट है और वो यहाँ से तो अप डाउन करेगा पैसे लगेंगे वहाँ से जाएगा पाँच छः महीने में एक बार आएगा कुछ ना कुछ सुधार हो गया आएगा अच्छा जद शाही में गए कौन से कौन से प्लेयर थे जो आज प्रो कबड्डी में स्टार हो रहे हैं उनमें तो कौन से कौन से चेहरे हुए कर देख कौन से अपने दोस्त थे शाही में देखो भाई मेरे जो साथ वाले हैं मेरे से सीनियर हैं जूनियर हैं प्रो लीग में मेरे हिसाब से एक तो बोलते हैं कि भाई नाइनटीन है नहीं हंड्रेड के एंड्रेड जो जिस बच्चे को मारे इंजरी नहीं होती है जो भी साई में गया है ये पता नहीं क्या है कि भी जो साई में गया है वो हंड्रेड परसेंट प्रोली खेला है बिल्कुल मेरे साथ भी खेले हैं मेरे जो जो सीनियर थे वो भी खेले हैं और अभी जो जूनियर हैं अभी जो करंट का है नरेंद्र कंडोला है ये भी वहीं पे था भरत है जो अभी करंट के जो अच्छे अच्छे रेडर है डिफेंडर है ये साई में रह रहे हैं अच्छा मेरे गांव का था संदीप कुंडू अपना उस्ताद जय खुचुरू कैसा गेम था भाई बिल्कुल वो मैं एक साथ खेले थे वहाँ वही जान पहचान हुई थी मेरी खुचरू के नाम से जो भाई को पहचानते हैं वो कवर खेलता था लेफ्ट और रेडिंग करता था उसके साथ में ट्रायल मैंने वहाँ राइट कॉर्नर की दी थी उसके जहाँ पे भी टूर्नामेंट में जाते थे को साहब ने मेरा और खुचरू का कम्बिनेशन दिखाया मैं राइट कवर और लेफ्ट कवर हम दोनों कवर खेलने लग गए थे अच्छा। हाँ तो फिर वो भाई लग गया जो मेरे से पहले रेलवे में जो लग गया था फिर ए, बोलते ना भाई देख प्लेयर में कमी नहीं थी उसने थोड़ा ये सोचा कि भाई उस टाइम पे प्रो लीग का भी कुछ नहीं था जॉब लगने के बाद में उसने मेरा तो जो मानना है कि उसने मेरे हिसाब से मेहनत में ही थोड़ी बहुत वो की नहीं तो भाई ऐसा प्लेयर कि भाई गॉड गिफ्ट था उसके पास हर चीज रेडिंग में को हमने भी इतना विश्वास था अगर तब भी टीम को कहीं ज़रूरत पड़ती थी एक पॉइंट की तो खुचरों के भेजेंगे वो उसी टाइम करेगा काम बिल्कुल वो मारे इंजरी ने और थोड़ा काला पीड़िया हो गया था ऑपरेशन के बाद थोड़ा उभर नहीं पाया पीड़िया ने मार दिया नहीं बहुत मैं जब कबड्डी मैंने शुरू करी तो खुचरू ने देख के कबड्डी शुरू कर दी मारा काम में दो में टूर्नामेंट थी बिल्कुल भाई देखा बोलना है ना कि भाई कुदरत की देन टैलेंट मेहनत में कमी नहीं थी उस बंदे में हम साथ में करते थे उस टाइम पे आप जो मान लो हमने पाँच पाँच टाइम प्रैक्टिस कर रखी है एक साथ साई में दो टाइम तीन तीन टाइम कोच साहब कराते थे जयवीर कोच साहब हम दो टाइम अलग से करते थे बिल्कुल पहलवान जी प्रो कबड्डी में कब गए और जब प्रो कबड्डी का मतलब ऑप्शन आया कितनी खुशी हुई थी भाई क्रिकेट की तरह हमारी कबड्डी की भी लीग चल रही देखो भाई 2014 में पटना में नेशनल हुआ था मैं सीनियर नेशनल में था उस टाइम पे अपनी फाइनल खेली थी टीम हरियाणा की वहाँ पे किसी उससे मैं ये नहीं बता भाई बता सकता कि भाई किस उससे मेरा प्रो लीग में सिलेक्शन नहीं हुआ वहाँ सबसे अच्छा ये था जो भी यंग लड़के थे ना जूनियर थे उनमें मेरा सबसे अच्छा प्रदर्शन था वहाँ पे नेशनल में उससे के तहत फिर वहाँ इस प्रो लीग के लिए कुछ सिलेक्शन का वो था तो फिर क्या जो मेरे साथ वाले थे जो साई में है शायद आप जानते भी हो गए गरविंदर है भागल्लू है बल्ली है और इरफान है जो थे मेरे साथ जो साई में थे भाई मेरे साथ वाले जो थे उनका सिलेक्शन हो गया था मेरे को बहुत खुशी हुई थी इस चीज़ की भाई हाँ मेरा सिलेक्शन ही हुआ क्यों ये नहीं पता मेरे को भी आज तक नहीं समझ में आया मैं क्यों नहीं लिया था उस टाइम में तो फिर भी मैंने कुछ ये नहीं माना था मैं ये था कि वे घर से मम्मी पापा को बोल के वहाँ चार पाँच हज़ार रुपये दो मेरे को थोड़ा प्रोटीन ये ऐसा कुछ बता रहे थे भाई ये लेके मैं चला गया था वहाँ मैं आप साई में दाएँगे अच्छी मेहनत करेंगे और उस टाइम में सुनने में आता कि चार पाँच महीने के बाद फिर दोबारा सीजन आएगा तो ये भगवान ने ऐसा मौका मिला मेरे को कि खोखर कोसा में जो मेरा सिलेक्शन गया था वो खोखर कोसा ने किया था पटना में थे शायद और उस टाइम आप छाए भी गए थे उसी टाइम संदीप नरवाल संदीप नरवाल गई थी जो अपना जंप लगाए जो अपना टैकल करे भाई देखो वो तो मैं कॉन्फिडेंस मान लो या टैलेंट मान लो भाई मेहनत तो हमने कर रखी थी उस टाइम पे ये नहीं था कि भाई मेरा सिलेक्शन ही मैं उदास बैठ गया उससे और ज्यादा मेहनत तो बढ़ा दी थी मैंने भाई कोई नहीं अब की बार नहीं है नेक्स्ट सीजन में हो जाएगा मेरे जो साथ वाले ये भी तो गए हैं ये भी अच्छा करेंगे और नहीं तो साथ वालों को तो बोल सकते हैं वो तो मेरे को जानते हैं भाई कैसा प्लेयर है कैसा नहीं है नेक्स्ट बार हो जाएगा हमने और मेहनत तो बढ़ा दी थी और प्रोलिक से चार या पांच दिन ही पहले मैं को साहब ने बुलाया था खोकर को साहब ने एक ही बात बोली थी मैं जूनियर एशियन गेम खेलने के लिए गया था वहां को साहब ने मेरे को देखा था रेडिंग करते हुए तो वहां पर थोड़ा मैट लूज था तो वहां मैट फट गया था तो इतना नहीं था खो साहब के साथ मेरा बस ये थी राम रमी थी मैं ऐसे फिर मेरे पास कहीं ना कहीं मान लो कोस साहब के फो, पास फोन आया खोकर कोश साहब का कि संदीप ऐसे ऐसे कहाँ पे है कहाँ प्रैक्टिस कर रहा है मतलब मेरे पास ही कर रहा है यहाँ साई में ही बोले ऐसे ऐसे अगर मैं उसको बुलाना चाहूँ टीम में आएगा मैंने उसे टाइम बोल दिया था उस टाइम पे मेरे पास दो तीन टीमों का ऑफर आ गया था पुनेरी पल्टन का आ गया था कि वैसे राइट कॉर्नर की जरूरत है तो मैं मैंने बोला था खोकर कोश साहब को मां गुरु अगर मैं आऊँगा तो आपकी टीम में आऊंगा और आप मेरे को बाहर बिठाओ जहाँ पे भी यूज करोगे ना मैं अपना 100 परसेंट करके दिखाऊंगा वो को साहब ने बोला था बेटा ये तो मेरे ऊपर मैंने आपको देखा खेलते हुए भरोसा है तो को सामने मैं बिल्कुल ए, बोलते ना उंगली पकड़ के चला वहाँ तो उसको देखने फ्रेम पे भी देखना चाहिए। भी प्रैक्टिस करते हैं कर रखी है बिल्कुल। उस वो, वसीम सज्जाज था हाँ। उसे फर्स्ट में मैं जाते ही तो खेला था मैं राइट कॉर्नर तीन चार मैच राइट कॉर्नर खेला उसके बाद में हमारी टीम में जैसे कि तीन रेडर थे अच्छे रहे उस टाइम पे तो भाई राकेश कुमार था भाई बोले कि भाई कबड्डी में रा, राकेश आ, कुमार से ऊपर नाम ही नहीं था उस टाइम पे इंडिया टीम हामून नामूना इंडिया टीम का कैप्टन था रवि दलाल था मोनू था बी एस तीनों के तीनों अच्छे रेडर थे तो उस टाइम पे कुछ दो तीन मैचों के बाद में पाकिस्तान वाले प्लेयरों के अपने मान लो कि पुरौलीग में एंट्री हो गई थी तो को ने उसको खेलते देख रखा था कि बोला संदीप ये कोरोना खेला मा सर कोई दिक्कत नहीं है हम बाहर बैठे मैंने ला नहीं बाहर नहीं तो मैं कवर खिलाऊंगा तो मैं राइट कवर खेल दो तीन मैच राय क्योंकि ये था आ, अपने मेरे याद है सोमवीर शेखर वो एक ही कवर खेलता था और जब मैं कवर नहीं था तो वो दोनों खेलता था लेफ्ट राइट दोनों तो फिर मैं राइट खेला था सोमवीर शेखर लेफ्ट खेला था फिर दो तीन मैचों के बाद में फिर कवर पे एक दूसरा लड़का था वो सेट हो गया था फिर मोनू को इंजरी हो गई थी कोसा बोले भाई राइडिंग करेगा संदीप मासर सर देखो कॉन्फिडेंस पूरा है और आप ये बोलोगे ना भाई राइडिंग करनी है तो मैं टीम के लिए राइडिंग करूँगा तब से फिर मैं एक दो सीज़न मैंने पूरी राइडिंग ही की ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਵਤਾ ਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕਰਿਆ ਇੱਕ ਕੰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੱਟਿਆਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰੇਡ ਕਿ ਤੋੜ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰੂੰ ਅੱਛਾ ਜੈਸੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰੀ ਥੀ ਆ ਡਿਫੈਂਸ ਤਾਂ ਕਰੀ ਥੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਸਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ मतलब वैसे मार ले दे पहला तो टाइम पास करते रेड पास की दी भाई रेटिंग तो कदे मैच हम पांच पांच रेड वगैरह और भाई पांच पांच रेट लोग बहुत जगह मार रखी है रेड अच्छा। उस टाइम पे मैं फोकस था कि भाई कोर्नर का मैं रेडिंग का मेरी रुचि हुई मैं जूनियर एशियन गेम में गया ना तो एक राइट कॉर्नर यूपी का लड़का था विकास वो शायद प्रो में भी आया था पुनेरी पल्ट्री में दो तीन सीजन विकास तोमर हाँ हाँ विकास तोमर हाँ, हाँ, पटियाला हाँ हाँ वो खुचर के साथ में जॉब करता है वो अच्छा लड़का था भाई तो वहां पे कोस साहब ने मेरे को अर्जुन कोस साहब थे और खोकर कोस साहब थे दोनों ने थोड़ा हमारा लेफ्ट कॉर्नर लूज था मेरे को लेफ्ट कॉर्नर खिला था और रेडिंग करवाई थी तो जूनियर टूर गया था जो उसमें कौन कौन से प्लेयर थे भाई अच्छे थे जैसे कि विकास कुमार एयरफोर्स में जो लेफ्ट रेडर था उस टाइम का अच्छा था। है, एक अपने से है, देल देल। एक रवि है हिमाचल से और एक से है जो हमारा कैप्टन था टीम तो का नहीं नहीं ये वजी हमारे से सीनियर प्लेयर थे ना ये उससे पहले वाले टूर में गए थे हाँ तो अपनी लाइफ में जब तक शुरुआत करी थी कबड्डी और आज तक कितना बदलाव आया कबड्डी में देखते-देखते दे, दे। भाई इतनी नहीं सोची थी इतनी जल्दी इतना कि प्लेटफार्म कबड्डी ने हमें ले ना मेरे हिसाब से और गेम ने नहीं मिलया है और भाई मेरी सोच है देखो हम तो कबड्डी खेलते हैं तो क्या अगर भाई अपना ना तो सब सरावे हैं मैं तो ये चाहूं भाई जो कि कबड्डी चल रही क्रिकेट चल रही हर स्पोर्ट्समैन के लिए मैंने तो सब करते हैं उनके दिखाने वाला भी तो होना चाहिए हर गेम लीग लीग चलनी चाहिए। लीग चलनी चाहिए, चाहिए।, प्राइवेट नहीं अगर तब तक स्पोर्ट्स में घुसेंगे तब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि उस प्लेयर को भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसको खाने पीने का पैसे का जब फैमिली है फैमिली ये देखेगी कि भाई हाँ बच्चा कुछ घर पे कमा के रहा है तो और आने वाले जो और छोटे बच्चे उनको भी यही बोलेंगे नहीं भाई तेरे को ये गेम करना है ये गेम करना है गेम में सब कुछ अच्छा बिल्कुल पलवान जी जब इस सीजन नौ में अपनी बोली ए ग्रेड में अपना नाम था अनसोल्ड हो गई इसका क्या कारण है भाई इसकी जो मैं क्या बता सकू मेरे भाई आपते हैं? देखो सीजन एट में हम चैंपियन भी थे मैंने रेडिंग में भी अच्छा किया था दबंग दिल्ली के लिए डिफेंस में भी अच्छा किया था कवर भी खेला था मैं कॉर्नर भी खेला था लेफ्ट कॉर्नर भी खेला था अब इसमें मैं किसी का नाम ही नहीं ले सकता भाई क्या रीजन था मेरे लिए फिर भी मैं ये था कि भाई वहाँ मान ये सोचे भी नहीं भाई बहुत हो गया बहुत खेल लिया अब अर्दन अवार्ड मिल गया भीम अवार्ड मिल गया नहीं अपने मैं फिर वही काम जो फर्स्ट सीजन में था मेहनत तो नहीं छोड़ी भाई साई में चला गया था मैं साई में चला गया था फिर उस वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था मैं गुजरात के टीम के साथ वहाँ मैंने प्रैक्टिस की तो फिर यूपी वाले कोच का फोन आया था अपने जो भाई एसोसिएशन थे फिट है वहाँ सर बिल्कुल फिट है वहाँ जाके आपने देखे भी भाई रहा हुआ पने उससे अच्छा किया हमने टीम के लिए ये नहीं समझ में मेरे को भी आ रहा भाई क्या रीजन था कि जिस बोले कि भाई प्लेयर का नाम तो क्यों ले हम से? नहीं भाई सब अगर उस उस टाइम लेने का जिसको मौका मिला भाई वो गलत तो है हो नहीं सकते प्लेयर भाई कुछ ना कुछ टैलेंट है उनके अंदर वो गए हैं सब में अलग अलग क्वालिटी होती है ये नहीं बता सकते भाई वो वो चला गया है मैं रह गया नहीं भाई वहाँ हैं उनके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट है तो फिर ये है कोई मान लो राजनीति का शिकार हो या कुछ ऐसा हो तो मेरे को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई मेरे साथ उस टाइम पे क्या हुआ रही दूसरी बात फर्स्ट सीजन से सीजन नौ चलेगा मेरा तो कोई इंजरी छोटी मोटी होती रहती है मेरा आज तक आपने देखा एक सीजन भी ऐसा नहीं गया कि भाई संदीप का ये सीजन बेकार गया बिल्कुल। अपना मान हम पूरा हंड्रेड फर्स्ट खेलते हैं टीम के लिए बिल्कुल टीम के क्यों पैसे वो लगा रहे हैं भाई अपना गेम दिखाने को दम हम तो और भी अच्छा करते हैं भाई अब अप अपना दिखा कर भाई चलो टीम हार जाओ क्या फायदा उस चीज़ का टीम ऊपर जाती है तो नाम होता है जब समय पहला जब पर आई थी कितने लाख में गए थे आप भाई उस टाइम में एक अपने एयरफोर्स का लड़का था एयर सर्विस प्लेयर की शायद एंट्री नहीं थी उनको निकाल शायद आठ अस्सी में इतने में था उसकी जगह मेरे को वो किया था अच्छा दूसरा सीजन में कितनी बोली फिर तो भाई वही बात है बढ़ते चले गए थे वहाँ लगातार बता दो अगर दर्शक जानना चाह है संदीप तो करोड़पति बन गया करोड़ टूर्नामेंट भी खेला है एक एक करोड़ी कोई ना भाई मेरा क्या है करोड़पति तो वो सब है यार ये मान लें आपके पास कुछ है तो भाई मेरा भी मैं कहने को तो हूँ आपके पास आगे भाई मैंने कोई इस चीज़ की हेल्प की जो वही आपके पास ही नहीं तो मैं क्या मांगूंगा भाई बिल्कुल तो यही बात है ठीक है करोड़पति नहीं है भाई और भाइयों के लिए तो भाई वही बात है कहीं जरूरत पड़ेगी तो अरबपति है भाई करोड़पति नहीं है सब मैं पहला मतलब सब तो ऊपर बोली कौन सा सीजन में ला थी एक बता दो मेरी नो सीजन फोर में था मैं सीजन फोर में जब मैं तीन छो पटना में रहा हूँ नहीं नहीं, नहीं तेलुगु में गया तेलुगु में गया था हाँ। मैं जब उस टाइम पे शायद मेरी साढ़े तैतालीस लाख रुपए लगी थी बोली उस टाइम पे यह था कि भाई मैं और मोहित थे ऊपर मोहित छिलर है ना जो दिल्ली वाला हरियाणा में मेरे थी फर्स्ट पूरे और ये मोहित था दोनों प्लेयर को उस टाइम पे यह था सभी प्लेयर आठ दस बीस लाख में ले रहे थे तो उस टाइम में तो भाई अब आपने क्वेश्चन कर लिया था इतनी खुशी हुई थी भाई लाइफ में नहीं सोचा था भाई उस टाइम में ये सोती भाई पाँच दस लाख रुपए की सोच थी बिल्कुल हाँ और इतने जब सुना भाई तेरे को साढ़े ते तैतालीस लाख में इतने में कैसे तेलगुट टाइटन लिया मैं साई में था मैं बहुत खुश हुआ था उस टाइम में बिल्कुल उसके बाद में तो फिर भाई हर सीजन में बढ़ते चले गए थे यू बम्बा में था मैं नब्बे में था एट्टी में तो फिर तो यूपी गए थे कितने रुपया गए थे यूपी में भाई कोई खोलनी थी यूपी दाड़ा के साथ है। भाई जितने देव है उनके ऊपर ये थी भाई, भाई, भाई खेलने के लिए आए पैसे के लिए नहीं आए बिल्कुल ये बात थी भाई अच्छा पहलवान जी फिर इंटरनेशनल भी खेले अर्जुन वार्ड भी मिले भीम अवार्ड भी मिले उन तक केक के खुशी मिली मतलब कदम लाइव में सोचा था भाई अर्जुन वार्ड में मिलेगा भीम अवार्ड भी मैंने मिलेगा भाई मैंने एक सोच थी मेरी देखो ये तो सोचती भाई मैं मेहनत कर रखी है भाई बेकार नहीं जाएगी जॉब तो मिलेगी तो फर्स्ट में प्रोलिख की भाई अर्जुन अवार्ड की ये कोई वो नहीं था भाई भी, भीम अवार्ड मिलेगा अर्जुन अवार्ड मिलेगा उस टाइम में नाम सुनते थे राकेश को मिला है अनूप कुमार को मिला है मंजित छिल्लर को भाई वो अलग ही फीलिंग आती थी यार उनके साथ एक बार हाथ भी मिल जाए ना कि वो बहुत धन्य हो जाओगे कि भाई इतने बड़े प्लेयर थे तो ये मिलने के बाद में पता चला भाई इस चीज का है कुछ ना कुछ अलग है कहीं जाते हैं भाई संदीप नरवाल अर्जुन नवाड़ी भीम वाड़ी इससे अलग ही फील होती है भाई अर्जुन वार्ड से पहले भी आप बहुत फेमस हो चुके थे कितने सेल्फी खिंचवा फिरे करते जो कर आप चाय करते नहीं राकेश कल मैं फोटो खिंचाऊँ हाथ में लऊ वो टेम आप पे भी आया है बिल्कुल भाई बिल्कुल अच्छा सबसे तो ज्यादा खुशी कौन सी टीम में खेल के मिली है आज लग नौ के नौ सीजन में भाई देखो फर्स्ट सीजन से मैं तीन सीजन रहा हूँ पटना में मैं बताऊँ आज तक जिस भी टीम में गया हूँ मैं औरों को खुश रखता हूँ चुप रहने वाला बंदा नहीं हूँ मैं हसी मजाक का अपना काम है हर टीम में एक दो नए लड़के आते हैं भाई वो उन फील्ड में बाहर नहीं निकले हैं उनको क्या पता भाई बाहर जाके क्या होता है उनका भी मन लगाते हैं अब यूपी यूपीओ मैं एक महीना पहले गया था मैं सीजन माले बाद में गया था सीजन नहीं, से वहाँ पे भी नए नए लड़के थे भाई उन, उनके साथ ऐ, ऐसे गोल मिल गए थे बिल्कुल हर सीजन में ये नहीं भाई कोई भी अपने टीम में ऐसी नहीं थी भाई उस टीम में जाके हम बंदिश में रहे नहीं बिल्कुल ऐसे मजाक कोच 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 के साथ फ्रेंचाइज के साथ बिल्कुल अच्छे से रहते थे बिल्कुल ये बात मैंने काफी जूनियर भी सुने मेरे गांव के अबी साई महत तो भाई संदीप का सब बढ़िया व्यवहार है सब गल है एक सारा न्यू को नहीं कर कुछ परो कबड्डी खेल के बात अलग नहीं कर दे ऊपरा नैट करके चल रहा है भाई यहाँ तब देखा होगा अपना घर रोड के ऊपर है यहां बैठा रहू मैं बाहर यहां बुढ़े हम ताश खेलते रहे खेत का काम करे चपला हम घूमते रहे वहाँ आओगे हो यार इतना बड़ा प्लेयर हो गई यहाँ ये क्या कर रहा है भाई मगा मगहा हम उस पर देखते हैं ना टीवी पे तो ऐसे लगता कि तो है कि वो बहुत गुस्से वाला है मां भाई उस टाइम वो दूसरा वो है वहाँ पे तो लगते हैं तो माँ मा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई और नहीं किससे करेंगे हम भले गुस्सा करेंगे किससे करेंगे सभी अपना भाईचारा ही तो है वहाँ है मैच में खेलते हैं या सगा भाई भी हो मैच मैच की तरह खेलते हैं बार बार आते वही सेम रहते हैं अच्छा कबड्डी में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने करे हो पहलवान पूरी लाइफ में आज तक भाई देखो फैमिली नहीं करे मैंने तो मम्मी पापा है सिस्टर है और है अपने माले भाई पू मेरे तो पूरे गांव का सपोर्ट है मेरे ऊपर भाई बिल्कुल और आपने कितने लोग का सपोर्ट करे मैंने बहुत सारे लोगों पर सुने भाई संदीप नरवाल ने इतने लोगों के मैं करवा दिए भाई देखो अपना काम होता है नए लड़के को रास्ता दिखाना जो जिस बंदे में टैलेंट होता है किसी को चीज़ को मैनेजर को बोले सर वो लड़का है मेरे पास वहाँ साई में है मैंने खुद देख रखा है तो वो भी तभी तो विश्वास करेंगे ना भाई मैं अगर मैं घटिया किसी बताऊंगा भाई नहीं वो अच्छा लड़का नहीं है भाई साई माँ एक से एक, एक चढ़ गया लड़का है वहाँ पर भाई ये नहीं वहाँ पे सब अपनी फैमिली है नहीं ये मैं देखता हूँ ये कौन सी कास्ट से है कहाँ का लड़का है ये नहीं भाई अपना कबड्डी है अपना फैमिली का बंदा है इंडिया का कहीं क्या भी है वो आंध्र प्रदेश का कहीं का जो अच्छा लड़का है उसकी पहले से भी जितनी अपने से होती है सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी मेरे गाँव का भी है बाहर का भी है कोई भी है अपनी से जो भी सपोर्ट होगी हम तय दिल से करेंगे भाई बिल्कुल पहलवान जी जैसे भीम अवार्ड मिले अर्जुन वार्ड मिले के कुछ देख के देते अर्जुन वार्ड यू लायक है भीम अवार्ड का यू लायक है भाई इससे जो अपने

भगवान कहीं ना कहीं किसी के उसको अपने मिलेगा भाई, भाई मैं, हाँ भाई ठीक है दीपक हकदार था उसका दीपक को मिलगा अब प्रदीप प्रदीप को भी मैं भाई इतना अच्छा प्लेयर है प्रदीप को मैं मेरी उससे यह है कि भाई प्रार्थना है कि भाई इतने अच्छे प्लेयर को जरूर, जरूर मिलना चाहिए जो जो भी है जो जिसका जो बनता है ना उसको मिलना चाहिए कोई भी गेम कोई भी गेम होया हर गेम में भाई जैसे कि अपने अभी है प्रदीप है फिलहाल में उसको साक्षी को मिला है भाई अच्छी बात है भाई कबड्डी को मिला साक्षी को मिला उसको गर्ल्स में मिल गया एक बॉयज को भी मिलना चाहिए था साक्षी को नॉर्थ में इंडिया में पहली बार अर्जुनवाड़ा लड़कियों में कबड्डी में साक्षी ने मिला है हाँ बिल्कुल भाई बहुत अच्छा है कि क्योंकि साक्षी ने मिला है और साक्षी नहीं मिला है वही बात फिर आ गई हमारे को ये है कि भाई अपनी कबड्डी में मिला है बिल्कुल और बॉयज में भी अगर प्रदीप को मिल जाता तो सोना सो हो जाता बिल्कुल अपने फेवरेट प्लेयर कौन है पहलवान एक डिफेंसर और एक रेडर और एक ऑलराउंडर भाई वैसे तो सब हैं भाई ये जूनियर लड़के भी हैं सीनियर भी हैं सब अच्छे अच्छे हैं जिसके डिफेंसर हैं जोगिंदर नरवाल है, जो है अमित हुडा है और बात करिए रेडिंग की प्रदीप है अपने राजेश नरवाल है एक टाइम आपने देखा भी होगा भाई बिल्कुल और अभी ऑलराउंडर में अपने अपने गांव का ही है नीरज नरवाल अपना भाई और अभी जो बेंगलोर की टीम में खेल रहा है दीपक अपने नरवाल ये भी आपने देखा होगा भाई थोड़ी इंजरी होगी उसके कारण रेडिंग में भी इसने अच्छा किया है और डिफेंस में भी अच्छा किया है और अभी वो ऐसे वही बोलते हैं भाई प्लेयर तो इतने अच्छे अच्छे हैं नाम गणवाने लग जाओ जा पूरी लंबी लिस्ट लग जाओ अच्छा पर होता पहला कौन से फेवरेट हो करते थे जैसे राकेश कुमार अनुप कुमार का अपना नाम लिया की तरसे कर दे भाई मारा हाथ में ले परो से पहले होते थे भाई जोगिंदर नरवाल राकेश मुन्ना मंजीत छिल्लर गटरू हाँ। जो थे भाई यहाँ अपने सुरजीत नरवाल बिल्कुल सुरजीत नरवाल ने भी भाई तबाही मचाई है एक टाइम पे प्रो में भी आने के बाद में सोनू नरवाल था सब बिल्कुल भाई उस टाइम के दुरंधर प्लेयर हैं अच्छा पहलवान जी अपना डाइट प्लान के है कितना टाइम वर्कआउट करो के, के जिम ज्यादा करनी चाहिए रनिंग ज्यादा करनी चाहिए स्किल ज्यादा करनी चाहिए आपने एक प्रॉपर पता है अर्जुन वार्ड वैसे नहीं मिलता किसी को भी बताओ एक सब जूनियर का बाक जूनियर का बाढ़ कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए देखो भाई जो जूनियर सब जूनियर का लड़का ना उसको मेरे हिसाब से रनिंग इतनी ज्यादा नहीं करनी चाहिए नहीं। और भाई जिम तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए ज्यादा तरुण के ऊपर स्किल पे फोकस रखें उसी टाइम पे होता है बच्चे की जो होती है ना स्किल सीखने की सब जूनियर में स्किल सीख लो जूनियर में थोड़ी वेट ट्रेनिंग कर लो स्पीड वर्क कर लो लोक जूनियर के बच्चे में जो स्पीड होगी वो सीनियर में ऑटोमेटिक स्पीड दिखेगी वो सब जूनियर का बालक ने अगर रोज कम से कम पाँच किलोमीटर है या गलत है दे मेरे नहीं हर रोज सब जूनियर के बच्चे ने ज़्यादा है मेरे हिसाब से देखो मैं बताऊँ ट्रेनिंग शेड्यूल सुन लो मेरे हिसाब का देखो भाई सबका अलग अलग होता है हफ्ते में एक दिन तो क्रॉस कंट्री करनी चाहिए अच्छे वाली करनी चाहिए भाई शनिवार को सुबह शाम को अपने ग्राउंड की सफाई कर लो संडे को फिर फुल रेस्ट पूरा की तेल की मालिश कर शरीर में फिर मान लो भाई मंडे को मंडे को अब कभी भाई स्पीड रख कर लिया कभी थोड़ा वेट ट्रेनिंग कर लिया फोटो रख के मोमेंट कर लिए अलग अलग हो गया शाम को फिर कभी मेट पे खेलो कभी मिट्टी पे खेलो कभी सैंड में खेल लो शाम को एक दो राउंड किया हल्का वार्म अप किया तो मैच खेल लो भाई जितना अगर प्लेयर में सुधार आएगा वो मैच खेलने से आएगा बाहर मान लो भाई हम बाहर खेलते रहें बाहर शकील करते रहें उसको दिखाएंगे कहाँ तब तक हम ग्राउंड के अंदर नहीं घुसेंगे तो दिखेगा नहीं ना कुछ कोचा समझ नहीं आ रही नहीं नहीं बढ़िया कुछ भी कबड्डी में ऐसा है एन एस कोच है भाई देखो उस कोच को भी हम बुरा नहीं बता सकते भाई उसका अलग अलग बताया ना भाई सब अलग अलग हम किसी को दूसरे की कॉपी नहीं कर सकते अब अपना वो तरीका भाई मैं अपना मेरा हिसाब से मानना है किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो मेरे वो नहीं है जो मैं मैंने आज तक करता आया हूँ यही है बस अभी मान लो भाई जिम की सुविधा सभी को थोड़ी मिलेगा भाई सबके घर पे थोड़ी जिम है सबके गांव में थोड़ी जिम है भाई वही है भाई अपने हाथों उठा बैठी मारो ये प्रैक्टिस करो अपने ईट आठ है ऐसा वो सारी सुविधा ई मारे टाइम पे भी नहीं फिलहाल में भी नहीं है भाई ये मान लूँ कि भाई सब हाँ भाई सेंटर साई में वहाँ सुविधा हर चीज़ की है हर चीज़ की वो मिलती है रनिंग है कम करो भाई रनिंग रनिंग करे गए तो गोड्डे तो वो बोलेंगे भाई मारे पर होता पहला कौन सी जॉब पे ट्राई करी और कितनी बार करी मिली नहीं हो जॉब तो भाई भगवान की दाद है मैं कई जॉब छोड़ दी भाई अभी फिलहाल हाँ पर उससे पहले भी भाई मैं मैं बैंक में भी बुला रहे थे मेरे को देना बैंक में और बीस रुपये से अपने जो प्रो में उसने भी मेरे को बुलाया था उसके बाद मैं यहाँ आर्मी में मेरे को एक मनोज अपना वो वहां रेलवे में अभी खुचरूर के साथ में हुँ हुँ हुँ. वो भी प्रो में भी खेला उसको मेरे गोलदारी से प्रो में इसमें सॉरी आर्मी, आर्मी में. में भी ले रहे थे उसके बाद में फिर मैं एयर इंडिया में भी गया हूँ एयर इंडिया के बाद में फिर मैं ओन में भी गया हूँ के बाद में मैं दो बार रेलवे में गया हूँ बॉम्बे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली उसके बाद में भी मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हूँ अपने दिल्ली अच्छी जॉब है भाई यूरे मतलब अटके रहोगे या चेंज करोगे ना भाई नहीं अगर हरियाणा पुलिस अच्छी जॉब देती है भाई अचीवमेंट के हिसाब से अच्छे रैंक देती है तो यहाँ जाएंगे नहीं वहाँ है ही जैसे पहले करे थे इंस्पेक्टर भर्ती करे थे अनूप कुमार और हरियाणा बिल्कुल बिल्कुल तो लास्ट में दर्शकों का ये संदेश देना चाहोगे कबड्डी में करियर बढ़िया है या नहीं देखो भाई वही बात आ गई मैं अकेले कबड्डी की नहीं बता रहा दर्शकों को मैं हर गेम की बता रहा हूँ जिस बच्चे का जो भी रुचि है भाई मेरा इस गेम में है एथलेटिक्स में है खो खो में है कबड्डी में सबको मेरी उससे यंग जो आने वाला भविष्य है एक पर्सनल रिक्वेस्ट मानो इस चीज़ की कम से कम देखो जो नाम यह है बाद की बात कम से कम अब नशे पति से तो दूर रहोगे बच्चे का वही सुबह शाम प्रैक्टिस करने का टाइम होता है और जो बच्चे की बिगड़ने की जो होती है वो यही है कि पंद्रह से बीस साल के आसपास में बच्चा बिगड़ता है उसी एज में अगर सुबह शाम बच्चे को ट्रेनिंग में भे भेजने लगे गलत संगत से दूर रहेगा नशे से दूर रहेगा अपने शरीर को फिट रखेगा भाई अच्छी दिल लगा के मेहनत करेगा तो देखो अपना तो नाम करेगा उसके तो करियर बनेगा ही बोलते हैं ना अपने बड़े बुजुर्ग तीन पीढ़ी सुधरती हैं खुद की मम्मी पापा की और बेटे की तीन पीढ़ी से सुधर गई रही दूसरी बात मान लो अभी मैं हूं मेरा तो नाम है ही मम्मी पापा का है मेरे गांव का, का नाम है फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम है फिर हरियाणा का है फिर इंडिया का है तो ये है कि एक बंदा अपने साथ में रिश्तेदारी बोलेगा सबको अगर एक जी जान लगा के मेहनत करेगा तो सबका एक बंदा बोलता है ना कि भाई अच्छाई में इतना ऊंचा नाम कर देगा कि भाई देश के लिए जाना जाएगा बिल्कुल तो संदीप नरवाल के अपना विचार जाने जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और पहलवान की कौन सी बढ़िया स्किल लग गया है वो भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय देनी है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर से करें मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक तो के लिए जय हिंद